जो सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान हैं, सबके स्वामी हैं, सब कारणों के कारण हैं, उनका ये चिंतन है कि हम जीव जो आवागमन में 84 के चक्र में फंस गए हैं, इसमें से हम निकले। इसी के फलस्वरूप भगवान ने कलयुग में भी अवतार लिया। भाग्यशाली लोगों को इस अवतार का पता है, लेकिन भाग्यहीन लोग इस अवतार की सूचना से वंचित हैं। प्रमाण भागवत है, अन्य ग्रंथ हैं जिनमें कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हुआ है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इस अवतार को भगवान कम क्यों जानते हैं? क्योंकि ये एक गुप्त अवतार है। भगवान अपने भक्त के रूप में आए हैं। तो हम कलियुग के जीवों को गौर भगवान की बहुत आवश्यकता है। हम कलियुग के लोग अगर गौर भगवान के मार्गदर्शन में चलते हैं तो इस कलियुग में भी हमारा जन्म लेना, जो कि झगड़े और लड़ाई का और बुराइयों का युग है, हमारा जन्म सफल हो सकता है। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, संसार के लोग कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वंचित ना रहें, उन्होंने अपने पार्षद ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति विदान स्वामी महाराज प्रभुपाद को भेज दिया। और देखो, इन्होंने वो कार्य किया जो इतिहास में नहीं हो पाया। भारत से बहुत समय से साधु संत विदेशों में जाते हैं, पर वहां जाकर के विदेशियात के शिकार बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे देखेंगे, एक नहीं। लेकिन ये जो महान वैष्णव जो भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए, ये भी विदेश में गए। जब ये अमेरिका में पहुंचे तो कोई विशेष जान पहचान नहीं थी। बड़ा कष्ट इन महान वैष्णव ने हम सब लोगों के लिए उठाया। रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, और कुछ लोग संपर्क में आए, उनका दूसरा दर्शन था जो भक्ति दर्शन के बिल्कुल विरुद्ध है। लेकिन ये महान वैष्णव, महान भक्त, भगवान श्री कृष्ण के पार्षद अपने कार्य में बड़ी तटस्थता से लगे रहे। ये एक अवतारी पुरुष होने के कारण
भगवान के भेजे होने के कारण इनका लोगों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। इनका आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ, ये जिसका सूत्रपात स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किया था। इनका आंदोलन एक पार्क से शुरू हुआ। पार्क में लोग आते हैं, बैठते हैं, पार्क में जाकर इन महात्मा ने एक वृक्ष, आज भी विद्यमान है वहां पर, ये न्यूयॉर्क की बात है, उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ये कीर्तन करते थे इस महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किन लोगों में, जिन लोगों को कुछ पता नहीं कृष्ण के बारे में, जो लोग मदिरा पान करने वाले व्यभिचारी दुराचारी गौ मांस भक्षी हर प्रकार का निंदनीय कार्य करने वाले, उन लोगों के बीच में पार्क में जिन लोगों को हिप्पी कहा जाता है वो होते थे, गे गुजरे लोग, तो इनकी वाणी में क्योंकि ये महात्मा बड़े उच्च कोटि के हैं, इनकी वाणी में इतना बल था कि वो पतित लोग भी इनकी ओर आकर्षित होना शुरू हो गए। और 1965 में ये वहां गए और बड़ी विनम्रता से, बड़े विनम्र ढंग से प्रचार शुरू किया। गए भी समुद्री जहाज में, प्रचार इन्होंने प्रारंभ किया। तो महाप्रभु की भविष्यवाणी को इन्होंने सार्थक कर दिया। जो आपने कृष्ण भगवान के साथ खड़े देखे, हाथ खड़े करके जो खड़े हैं, ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये भगवान कैसे हैं अभी देखो। भगवान ने, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी 500 साल पहले। क्या कहा था, पृथ्वी अचो यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, भारत में नहीं, सारी दुनिया तो भगवान की है, सब भूमि गोपाल की, भगवान ने ये कहीं नहीं कहा कि हिंदू मेरे हैं और दूसरे मेरे नहीं, इन्होंने कहीं नहीं कहा। ये गीता में श्री कृष्ण ने कहा, सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदा पिता, सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। इन्होंने मलिच्छ और यवनों के बीच में जब प्रचार शुरू किया तो मलिच्छ यवनों का जीवन बदलने लग पड़ा। भगवान भक्तों की बड़ी परीक्षा करते हैं, कोई भक्त देख लो आप, पर भगवान की कृपा से ही, कृष्ण की कृपा से ही भक्त लोग सफल होते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भगवत कृपा पर आश्रित हैं। समुद्री जहाज में गए, एक महीना लग गया अमेरिका पहुंचने में,
जहाज के अंदर दो हृदय के आघात हो गए, कभी जहाज में समुद्री जहाज में नहीं बैठे थे। सोचने लगे अगर तीसरा आघात हुआ तो मेरे प्राणांत हो जाएंगे, क्योंकि जो महासागर था, प्रशांत महासागर एटलांटिक ओशन, उसमें बड़ा तूफान सा आ गया था। तो परीक्षा ले रहे हैं भगवान अपने भक्त की। अभी ऐसा सोच रहे हैं ये, तो रात को सोए हैं तो क्या देखा इन्होंने कि ये जहाज के ऊपर हैं और कृष्ण भगवान एक नौका लेकर के आ गए। नौका लेकर आ गए तो एक रस्सा फेंका इनकी तरफ और इन्होंने कहा कि जहाज से बांध दो इसको, और कृष्ण भगवान उस जहाज को जो समुद्र बड़ा ही क्या कहते हैं रफ कह लो या बड़ा ही बड़ी उसमें लहरें आ रही थी, हिलोरें आ रही थी, और दूसरे दिन महासागर शांत हो गया। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, मेरी सबसे करबद्ध यही प्रार्थना है कि अगर हम कलयुग के जीव कुछ अपना मंगल चाहते हैं, ये महापराक्रमी भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए संत जो हैं इनकी शरण में आए और इनके द्वारा दी हुई शिक्षा को अपनाएं। अगर इनके द्वारा दी हुई शिक्षा से विदेशी लोगों में परिवर्तन आ सका, हम देशियों में क्यों नहीं आ आएगा। लेकिन हम देशी लोग अंग्रेजी याद की ओर भाग रहे हैं, हम लोग अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं, हम लोग अंग्रेज बनना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। और अंग्रेजों की जो संस्कृति है उसमें कुछ नहीं है। कहा है कि दूर के ढोल सुहामने, दूर से जो ढोल बजते हैं बड़े ऐसे अच्छे लगते हैं, पर पास जाके देखने से पता लगता है। कोई जीवन नहीं है इन विदेशियों का, कोई मन की शांति इन लोगों को नहीं है, ये बड़े परेशान है बेचारे। तो हम लोगों को इनकी ओर ना भाग करके अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, उन्हीं का नाम गौर हरि भी है, उन्होंने क्या कहा गौर हरि भगवान ने कि भारत के लोगों को, भारतीयों को क्या करना चाहिए। वैसे तो ये सारा संसार ही भारत है, कम होता जा रहा है। महाराजा परीक्षित का जब राज्य था तो सारा संसार भारतवर्ष, इसके संकेत इसके चिन्ह मिल चुके हैं। इन्होंने भारतीयों के लिए क्या कहा, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल यार। भारत में जिसका जन्म हुआ है उसको क्या करना है, जन्म सार्थक करो करी पर उपकार। अपने जन्म को सार्थक करो, कैसे, पर उपकार करके। तो पर उपकार क्या है, लोगों ने पर उपकार की भाषा कुछ और समझ ली है।
परोपकार ये है, जैसे गुरुदेव ने समझाया है, एक व्यक्ति बड़े बाप का बेटा है, करोड़पति बाप का बेटा है, लेकिन वो बीमार होने के कारण उसे एक रोग लग गया है जिससे उसकी स्मरण शक्ति चली गई है और वो अपने बाप से अलग होकर के दर दर की ठोकरें खा रहा है, भीख मांग के खाता है, सड़कों पर पटरियों पर सोता है, बड़ा दुखी है। एक कोई महान पुरुष उसको आके देखा, वो कहता है भाई ये तो उस बड़े आदमी का बेटा है, बड़े आदमी का बेटा होने पर ये ऐसा भटक रहा है। तो वो उसे कहता है तू भी क्यों मांगता है, चल मेरे साथ, तुम इतना दुखी क्यों है, तू मेरे साथ चल। उसको ले जाता है, वो चल पड़ता है उसके साथ कि ये तेरा पिता। पिता जब उसको मिलता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है कि आपका बहुत धन्यवाद, अब मेरा बेटा जो बीमार था आप उसको मेरे पास ले आए। तो वो बेटा भी बाप के पास आकर के प्रसन्न हो जाता है, उसका भी भीख नहीं मांगनी, दर दर की ठोकरें नहीं खानी, वे प्रसन्न हो जाता है और बाप भी प्रसन्न हो जाता है। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, यही गति हम सब की है। हमें ये भौतिक रोग लगा है, माया के हम चुंगल में आ गए हैं, माया के संपर्क में, ये माया का जगत है। जैसे आपको कई बार बताया कि माया, मां करता है यो नहीं, या ये यो नहीं है, वो माया है, सब कुछ यहां नश्वर है। पर हम जीवात्मा है, हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। वो जो महान पुरुष मिले वो ऐसे संत हैं, हम आवागमन में पड़े हुए जीवों को बताते हैं भाई तुम यहां क्यों इतने कष्ट उठा रहे हो, तुम तो परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण के संतान हो, आओ कृष्ण की शरण में कृष्ण का भजन करो और सुख का अनुभव करो।